देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा मेवात जिला भले ही शिक्षा व रोजगार में अन्य जिलों से पीछे हो, लेकिन यहाँ के युवाओं का शातिर दिमाग काफी आगे है। अनपढ़ युवा भी अपने जाल में अच्छे अच्छों को फंसाकर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। पिछले 20 सालों से ठगी के मामले में मेवात जिले ने पूरे देश में अच्छी खासी सुर्खियां बिटोरी हैं। समय के अनुसार मेवात जिले के युवा भी लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके तलाशते रहते हैं। मेवात में सबसे पहले टटलू गिरोह का जन्म हुआ था, जिसके आधार पर मेवात के युवाओं ने अपने शातिर दिमाग का प्रयोग करते हुए हजारों लोगों को पीतल के ईंटों को सोने की बताकर बेचने का काम किया करते थे। यह ठगबाजी मेवात में काफी सालों तक चली, जिससे काफी लोग अमीर हो गए। इसके बाद मेवात में साइबर ठगी का जन्म हुआ, जो आज तक जारी है। लेकिन पिछले कुछ माह पहले मेवात पुलिस कप्तान के नेतृत्व में कई जिलों की टीम ने दर्जनों गांव में एक साथ रेड डाली और सैकड़ों साइबर ठगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया, जिससे साइबर ठगी पर कुछ अंकुश लगा। लेकिन अब मेवात के युवाओं ने लोगों को ठगने के लिए एक नया तरीका अपना लिया है। पुलिस के सामने रखी नोटों की गड्डी को देखकर आप सोच रहे होंगे ये असली नोट है, लेकिन ये असली नहीं नकली नोट है, जिन्हें गुड़गांव व अन्य शहरों के बाजारों में चलाया जा रहा है और ये कारनामा मेवात के युवा कर रहे हैं। गुड़गांव पुलिस ने नकली नोटों के साथ मेवात जिले के गांव मूलथान निवासी सलीम उर्फ मटका को गिरफ्तार किया है। 1,87,500 रुपए नकली बरामद किए हैं। क्राइम ACP वरुण धैया ने जानकारी देते हुए बताया कि मेवात जिले के गांव मूलथान निवासी सलीम उर्फ मटका गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करता है। इसी बीच वे नकली नोटों को भी मार्केट में चलाता है। पुलिस ने आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो उसके पास से करीब 2 लाख रुपए बरामद हुए, जो नकली है। आरोपी सलीम ने बताया कि वह अपने साथियों के कहने पर नकली नोट चलाने का काम करता है और उन्हें 1 लाख नकली नोट चलाने के बदले 10,000 रुपए का कमीशन मिलता है और कई बार गुड़गांव में नकली नोटों को चलाने के लिए वह आ चुका है। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा एक सिंडिकेट को ब्रेक करा गया है, जो कि खासकर फेक इंडियन करेंसी को मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था। और उसके दौरान हमने एक व्यक्ति विशेष जो इसमें आरोपी है, सलीम उर्फ मटका, ये गांव मुल्थान नू मेवात का रहने वाला है, 24 साल इसकी उम्र है, इससे हमने 1,87,500 रुपए 500 की डिनोमिनेशन जो उसकी करेंसी की है, इंडियन करेंसी की, उससे इसको बरामद करा गया है। और इसके बारे में अब हम गैंता से पूछताछ कर रहे हैं, इसे पुलिस रिमांड सीख करा जाएगा और फिर गैंता से पूछताछ करके ये देखा जाएगा किस माध्यम से ये करेंसी को सर्कुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये करेंसी को छाप रहे हैं, तो संबंध में सारी जानकारी हासिल करी जाएगी और आपको बताया जाएगा। कहां से लेके आया था, किसको सप्लाई करना था, अब तक कितने नोट मार्केट में सर्कुलेट कर चुका है? देखिए, अभी क्योंकि इसका पुलिस रिमांड सीख करा जाएगा और रिमांड के दौरान इससे और गहनता से पूछताछ करी जाएगी, लेकिन जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें ये पता चला है कि कहीं नू मेवात के एरिया के अंदर इनको प्रिंट करा जा रहा है और इनके कुछ और अन्य साथी भी हैं जो इस जो फेक करेंसी प्रिंटिंग के लिए के अंदर संलिप्त है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी और जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अच्छा सर, आपने बताया नू नगीना के अंदर प्रिंट हो रहे हैं, क्या गुड़गांव पुलिस ने वहां पे रेड की, वहां से क्या कुछ बरामद किया गया? अभी क्योंकि इसको रिमांड पे सीख हासिल मतलब लिया जाएगा और रिमांड के दौरान अभी गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि कितने और अन्य साथी इसके साथ इस घटनाक्रम में संलिप्त है और उसके दौरान उन सभी के ऊपर रेड कराई जाएगी और संबंधित जो भी चीजें इस जो फेक जो करेंसी प्रिंट करी जा रही है उसमें जो जो मशीनरी जो यूज हो रही है, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी को बरामद करी जाएगी। अच्छा सर, ये यहाँ पे किसको सप्लाई करने के लिए आया था गुड़गांव? देखिए, दिवाली का त्यौहार है आने वाला है और उस तरीके का फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस दौरान इनके लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि इस तरीके से ये जो फेक करेंसी है उसको ये रूटीन में थोड़ा थोड़ा करके डिनोमिनेशन के माध्यम से ये इसको मार्केट में सर्कुलेट करें। तो कौन कौन ऐसे अन्य व्यक्ति विशेष हैं जो इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी गुड़गांव पुलिस के माध्यम से, और अभी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और आपसे साझा करें। सर, अमूमन देखने में आया कि जो करेंसी होती है उसका पेपर बेहद फाइन होता है, इस पेपर की क्वालिटी कितनी फाइन है, कितना असली और नकली में फर्क है सर इसमें? देखिए, अभी हम फोरेंसिक के माध्यम से भी और बैंक के माध्यम से भी इस चीज की पुष्टि करेंगे कि जो ये पेपर इन्होंने इस्तेमाल करा गया है, और खासकर हम जब रिकवरी करेंगे उन चीजों की कि किस माध्यम से ये किस मशीनरी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्रिंटिंग किस तरीके से कुछ मशीन्स का यूज कर रहे हैं, तो वो सभी जब रिकवर हो जाएगा तो उसके माध्यम से हम फोरेंसिक को भेजेंगे और बैंकों से भी इसकी डिटेल हासिल करी जाएगी, तो उस बारे में फिर आपको सूचना दी जाएगी।